इन्होंने भी मेरा केस मुफ्त लड़ा, बावजूं पनामा का केस भी खुदा को गवाह बनाता हूँ मुफ्त लड़ा, और मैं शेख हूँ, पैसों के मामले में जरा बड़ा कंजूस हूँ। पंजाब में बहुत खूबसूरत सवाल किया है, इंशाअल्लाह ताला शाम को चौधरी शुजात के पास जाना भी पड़ा तो जाऊंगा। चौधरी शुजात जो है वो जहूर अली का बेटा है, वो परवेज अली के साथ खड़ा होगा, और उसके खून का तकाजा है कि वो परवेज अली को उनकी पार्टी वोट डाले। और मुझे पूरा यकीन है आसफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहाँ वोट बिक रही हो, खरीदी हो, जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसफ जरदारी वहाँ डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। इंशाल्लाह इमरान खान की पार्टी ने परवेज़ अली को कैंडिडेट डिक्लेयर किया, शाम को वहाँ पहुँचेंगे, एक आधा वोट हमारे कहे में भी है, और कोशिश करेंगे चौधरी जहूर अली ख़ानदान से, एक बड़ा ख़ानदानी रिश्ता है, तवील रिश्ता है, शुजात की वालदा मेरी वालदा थी, और शाम को लाहौर में होंगे, और कल नहीं तो परसों परवेज़ अली इंशाल्लाह हलफ उठाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमसे पिछले 2-3 महीनों से रबते में थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये वोट उनका बुनियादी हक है जिसको के मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने डिलेइंग टैक्टिस में इसमें रुकावटें डाली हैं और इसे डिले कर रहे हैं। और सरजील बैरिस्टर सरजील सवाती साहब ने पानामा में भी मेरा केस लड़ा था और उसी केस पे फैसला आया था। आज बैरिस्टर सरजील सवाती साहब ने मेरे बिहाफ पे ये रिट दायर किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी